The movie has balls and long legs, and when the movie proves that, you feel great. It's a good feeling. You know, sir. सर ये सब टीम है सर इन्होंने करवाया अच्छा जी सो इसलिए सर मैं आप मैं ये कह रहा था कि हमारी लाइफ सबकी लाइफ रेयर है उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से प्रोडक्टिव गुड फॉर अदर पीपल एज वेल एंड यू नो इफ यू कैन फ्लरिश एंड दैट्स व्हाट इट मींस आई थिंक जी या मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि यू नो मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यू नो ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी जब फिल्म को पसंद आती है तो खुद बोलते हैं वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं जिससे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं लव लेटर्स लिखे हैं और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है हमारा मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ बट ये ऐसे होने लग गया अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है ऐसा रेयरली होता है सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग यू नो दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसको इसकी मार्केटिंग कर रही है हम नहीं कर रहे जितनी करनी थी हमने कर दी हाँ इस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ हाँ हाँ मतलब जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं आपको जिन पे भरोसा होता है कहानियों पे जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी ऐसी कहानियों में आप यू नो अपना अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे एक जी के साथ फिल्म है टी सीरीज के साथ एक और फिल्म है जो कल ही मैंने ख़त्म की कल लास्ट डे था मेरा शूट का तो मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा था इस फिल्म का उस उनकी फिल्म ख़त्म कर रहा था तो टी सीरीज़ के साथ है जी के साथ है टी सीरीज़ का वाली फिल्म का नाम अभी तय हो रहा है अभी वो टाइटल तय नहीं हुआ उसका फाइनल नहीं हुआ जी की भी फिल्म शूट हो गई है उसका एक गाना बाकी है हाँ बहुत हाँ यार उनका उन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है उनका उनका अपना डिसीजन है यू नो और मैं उन पर भरोसा करता हूँ आई ट्रस्ट देम कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने लिए लेंगे मेरा सिर्फ उनको कहना इतना ही है कि पैशन को फॉलो करो एंड देन यू नो चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी बाकी कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो पैशन हो आप जिस चीज़ को पसंद करते हो जिस काम को पसंद करते हो आप वो काम करो बाकी चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे शुरू शुरू में जब रिलीज़ हो रही थी तब बात हुई थी उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात आपको कोई पैगाम है उनको पहुंचाना है नहीं हाँ, मतलब मुबारकबाद देना चाहिए जी मैं पहुँच हाँ जी लोगों ने बहुत पसंद किया ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उन्हें एज ए हीरोइन एज ए मदर एज अ यू नो हाउस वाइफ एज अ कॉमिक एक्ट्रेस यस बहुत प्यार मिला उनको मैं खुद मेहमान हूँ मुझे पता नहीं यार मैंने मेरी तरफ से बहुत लोग इनवाइटेड नहीं है जस्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं मैं देखूँगा कौन आया है अरवि सर जी तुम्हें कितना 45 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि पूरा 45 मिनट का एपिसोड बनाना होता है अरे क्या बात कर रहे हैं ठीक बिल्कुल कंगना फैंटेसी एक्टर हैं मैं वेट कर रहा हूँ मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली हैं मैं वेट कर रहा हूँ मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी और मैं बहुत बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है बहुत कमाल का काम किया है और वो यू नो एक नायाब किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया है उन्होंने दर्शकों को दरकरार है आपकी मतलब
मेडिटेशन का मंथ होता है, यू नो, जो लोग दिल से करें, ये आपकी धुलाई का वक्त होता है, आपकी सफाई का वक्त होता है, आत्मा की, शरीर की, सबकी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो सक्सेसफुली करें, जो भी इसको महीना भर अगर इस मेडिटेशन में जो लोग जाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई। फिल्म में बोल दिया सब कुछ, एक्सीड्स माय एक्सपेक्टेशंस एंड वी वेरी ओवरवेलम्ड विद द रिस्पांस दैट वी गॉट। दिस इज ज़ीनथ, शी इज द राइटर ऑफ द फिल्म। Much more than satisfactory. It's overwhelming for us. We really didn't expect it to be, to strike a chord this much with the audience. So we're really, really overwhelmed with the response that we've got. Sakit, इट मीन्स, इट एब्सोल्युटली मीन्स अ लॉट टू यू, क्योंकि हम जब पिक्चर बनाते हैं तो हमारा का एक्सपेक्टेशन होता है कि लोगों को पिक्चर पसंद आएगी, पर इतनी पसंद आएगी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और आज आई मीन इट्स कम टू द पॉइंट वेयर आज पीपल, लोग पिक्चर के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। दैट्स अ लॉट टू अस, इट्स वेरी हम, इट मेक्स अस वेरी हम्बल, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। उम्मीद तो रहती है होपफुली, और फ्राइडे बहुत अच्छा गया है, जितना हमको पता लगा सैटरडे भी अच्छा जा रहा है। सो वी आर होपिंग कि अगले एक दो हफ्तों में, और आई थिंक काफ़ी और स्टेट्स में भी टैक्स फ्री होगी पिक्चर अब, सो वी आर होपिंग द कलेक्शन विल रियली इम्प्रूव। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड इवनिंग, इट्स साइन फॉर द इंडस्ट्री। आई थिंक Hindi medium, you know, we tried to watch the film on Wednesday, and despite all our efforts, we weren't able to get tickets on a weekday, and I think that's an incredible sign. I think it just shows you the power of good content, and you know, we hope to be able to watch the film tomorrow, but I think it's an excellent sign when a film like this is doing such great business on a weekday. Ji. See, there are 52 weeks in a year, and we make much more than 52 movies, so there are bound to be clashes, you know, every week. I think what's important is for good content to be recognized, and you know, in the case of Hindi medium, it's shone through. It's a smaller film. It's a film that would not ordinarily get that sort of an opening, but the fact that its second Friday is equivalent to its first is a huge sign. It's huge and awesome. And you know, just the very fact that we weren't able to, despite all our good offices, get tickets for the film on a Wednesday, that tells you how well the film is doing. Ji, it's unfortunate. I think that it's probably an error, and I hope that it is corrected, because the average rate of tax for the industry has been across the country between 8-10%, and 28% has been put on us. In addition to which, the local body taxes are also going to be imposed by states. So it's a very tough time for the industry. We're talking to the concerned ministries. We hope that they will see that there was an erroneous calculation. They probably didn't realize that they were putting us at the highest tax bracket, which was not where we were at all. And hopefully that mistake will be corrected. But have you planned to approach and? Yes, we are doing so, and the whole industry is united on this. Not just the producers, but the distributors, the exhibitors, everyone is in one voice, feels that this is something that should be amended, and we're talking to the concerned people. चौदह जुलाई पक्की है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 14 जुलाई जग्गा जासूस विल बी रिलीजिंग। पता नहीं
Of course, they are thorough professionals, and of course they will promote the film together. And what's next from your production? I think when I'm ready to announce something, then I will definitely do so, shortly. But the works are on. Absolutely. Moritz starts the Ramadan, so the viewers' wishes from your side. Like to wish all the viewers a very happy Ramadan, and my wishes for the season. Thank you. हाँ मैं कुछ शायरी वायरी सीख रहा हूँ आजकल मैं भी दैट्स वाई मैं एक फिल्म के लिए ये लुक ट्राई कर रहा हूँ एक अगली फिल्म के लिए लुक ट्राई कर रहा हूँ ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है क्या लग रहा है वो कुछ डेढ़ साल बाद कुछ कर रहा हूँ तो उसको अच्छी तरीके से तो आने दो नहीं मिर्ज़ा गालिब नहीं बट मैं एक शेर सुना देता हूँ आपने बात किया तो तुंदिए बाद से ना घबरा ए उकाब तुंदिए बाद से ना घबरा ए उकाब ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए तो ऐसी फिल्म के लिए भी ये सही होता है कि यू नो फाइनली अगर अच्छी फिल्म बनाओ तो ऑडियंस उसको साथ दे रही है एंड भले ही वो फ्राइडे वाला जो ओपनिंग होता है वो नहीं लगे बट इवेंचुअली पब्लिक आती है और देखती है एंड इट्स ग्रेट यू नो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे जहाँ से जो नींव शुरू होती है एंड आई फील इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस दौर में काम कर रहा हूँ फॉर अ चेंज नहीं है सो दैट्स वाई बट आने दो I would like to wish all the viewers happy Ramadan. मैं सभी दर्शकों को रमज़ान की मुबारकें देता हूँ थैंक यू सचिन सर एकदम सामने सर एक बार सचिन सर तो ही वो तो भी है मैम मैम सेंटर सेंटर मैम 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 सेंटर सेंटर मैम यो यो मैम यो यो दिस कैमरा प्लीज एक्सक्यूज मी मैम अभी वही बात करता है हमेशा मैं क्या करूँ आप सेंटर में हुआ करो ना आपको सेंटर में ही खड़े होना चाहिए नहीं अब तक नहीं मिला इनफैक्ट मैडॉक की ही फिल्म है और मैडॉक ने ही मुझे मौका नहीं दिया अभी फिल्म देखने का मैं राब्ता की प्रमोशन में लगी हुई हूँ बट मैंने बहुत सुना है और मैंने ट्रेलर और गाने जब देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे आई रिमेंबर टेलिंग डीनू स्पेशली कि बहुत अलग और बहुत एंटरटेनिंग सी लग रही है ये फिल्म एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं देख के आऊँगी एंड आई एम सो हैप्पी दैट्स डूइंग रियली वेल
Firstly, I don't know what the story is, so it obviously depends on the story, but I'm sure that it's great content. And yeah, if someone like an Irfan Khan is a part of the film, it has to be great content, so I would love to do it. Really? नहीं यार ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक हर फिल्म में इतना ही प्रमोशन होता है. मुझे याद है दिलवाले और हीरोबंदी के टाइम पे भी हम लोग बैक टू बैक कर रहे थे. बस यही है कि अभी फिल्म जो है वो पास आ रही है और धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म का राबता जितनी ऑडियंस से हो सकता है उतना हो. तो बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड लव. आप मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? वो इनफैक्ट आई जस्ट मेट हिम एट अ पार्टी. ही इज रियली एप्ट फॉर इट. वो बिल्कुल वो जो पोस्टर उसका आया था वो बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं रैम्बो की तरह ही. एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड कि यू आर रियली लुकिंग लाइक द पार्ट. सो ही वाज लाइक है ना जैसे हाँ जी जी जी. It was very good. It was great catching up with everyone. I think ऐसी कोई पार्टी होती है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं उनसे मिलना हो जाता है. तो और प्रमोशन के बीच में अगर चल रहा हो तो खुद भी थोड़ा सा लाइट माइंडेड लाइट हार्टेड हो जाते हो. Why are you following me everywhere, man? जी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है पूरी मेहनत से बनाई है. अब यही कर सकते हैं जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई. तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है. और एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनू बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस रहे हैं. बहुत ज़्यादा क्लोज रही है हमारे दिल से. एंड 1.5-2 साल हो गया इसके लिए तो और भी टाइम हो गया. इट्स बीन द आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 इयर्स दैट आई हैव स्टेड विद द स्क्रिप्ट एंड आई एक्चुअली एब्सोल्युटली लव द स्क्रिप्ट. सो जी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है. इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है दीपक ने काम किया है मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से प्रेविलेंट है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते. तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना आई थिंक क्रेडिट गोज टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर. जी इट्स अ वेरी गुड साइड. मुझे हमेशा से लगता है कि एक ही दिन में अगर 3-4 फिल्में भी रिलीज़ हो और 3-4 फिल्में अच्छी कहानी हो तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं तो सारी फिल्में अच्छी कर सकते हैं. इट ऑलवेज फील्स गुड एक्चुअली जब कोई अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा करती है और ऑडियंस जो है वो जाकर हमारे काम को देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. कितनी है मतलब काउंट भी नहीं हो पा रही है कितनी है जी विभिन्न प्रभाग का. ओह माय गॉड प्रकार प्रकार आपने देखा होगा मैं ग्रोइंग अप इसको नहीं नहीं पिछले 1.5 साल से तुमने देखा होगा मुझे. He's already one, yeah. Next superstar, abhi main kya bolu? But I think he's one of the finest actors that we have in today's younger generation. And I think what I like about him is that he's very dedicated and nothing sort of affects his work. So wo agli film bhi utni hi passion se karta hai, usse agli film bhi utni hi passion se karta hai. So I think that's great. Thanks a lot. You're gonna pay me for this? Yeah, obviously. Yes.
अभी तक मैंने देखी नहीं है, मैंने भी नहीं देखी है. नहीं अगर पहले भी तो दिखा सकते हो मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है. मैं खुद देख के फिर दिखाऊंगी. ऑलराइट. हां, हमें मुझे, मैं तो यही कहूंगा कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे, आप किसी किसी और रीज़न की वजह से नहीं करेंगे. ठीक है अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फेम मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी फिल्म करने के लिए. अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिल ही जाएगी. And I think this is one of the reasons why we are friends, because we have things in common. We have similar passions, both from Delhi. Both have done engineering. I didn't. I dropped out. Thanks for saying it yourself. Before you do it. And she, like me, is a big foodie. So there are like many things. And also the passion that we have for films. And the thing that we have that we want to give in our 100% no matter what. So these things are the things that we like in each other, and that's why we're friends. ये बंदी जो आपका निकला है ना, ये बहुत दिल्ली था, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. जी मैं निकल गया जी. मैं बहुत कुछ कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कर रही थी इसलिए. मैं मॉडलिंग भी कर रही थी. व्हाट डू यू मीन? हाँ पर आई थिंक सबका सबकी अपनी जर्नी होती है आई फील, और सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और आई फील अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाना चाहिए. तो ही वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट्स, आई वेंट विद माइन, एंड बोथ आर हियर, सो इट्स ओके. आई जस्ट डिडंट वांट टू गिव मायसेल्फ अ प्लान बी. मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना लगे कि थिएटर कर रहे थे उस समय, और थिएटर में मज़ा बहुत आता है लेकिन पैसे को बहुत कम मिलते. तो मुझे लगा कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वापस इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही तो नौकरी कर लेते. तो लगा कि डिग्री लेते ही नहीं तो फिर ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा. जी थैंक यू. मैं नाराज नहीं था, आई स्वेयर. मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं खुद वो फोटो देख के पहले डर गया कि ये इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था. कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता हूँ तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ. कृति भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ वाथ हिलाते हो और मुँह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता है. तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को. लेकिन हाँ वो फोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया. फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला. लेकिन वो बहुत जाना जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था. तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वॉज एक्चुअली द सेम. तो फिर मैंने एक वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया. बहुत मेहनत करी मैंने. डायरेक्टर कम जर्नलिस्ट जो है ना. तो मैंने सुना है कि आपकी पिक्चर मांगदीरा की तरह आप क्या बोलेंगे? करेक्ट है ना, यही पूछा जा सकता है. आई थिंक आपको क्वेश्चन पूछ के आप ही को आंसर कर देना चाहिए यहां पर आकर. व्हाट आर यू डूइंग? देखिए ये मैंने मांगदीरा देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, और मैं राजामौली सर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ. और मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी है. जो ये री इनकारनेशन की स्टोरी है, ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी है. जैसे मधुमती देखी है मैंने, लेकिन मैंने करण अर्जुन देखी है. ओम शांति ओम. कर्ज जी. तो ये री इनकारनेशन के आइडिया पे बहुत सारी स्टोरीज बनी और अच्छी अच्छी स्टोरीज बनी. मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी भी बहुत ही एंगेजिंग है और अलग है, लेकिन बस ये एंगल सेम. आई थिंक इट्स री इनकारनेशन ऑफ री इनकारनेशन. I think it's a modern take. And I'm really sure, Dino, अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, अगर हमने वो फिल्म बनाई है तो एक दिन अगर राजामौली सर भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी मांगदीरा की. आपको
इनके साथ तो मैं आई थिंक आपके साथ एक अलग से हमको खड़े होके इंटरव्यू करना चाहिए. Me? Yeah. Even I feel so. My film I made because of her. Because of me? Yeah. You're a paltu, I'll come out of when you say something. I think I'm off camera saying all this. ये सवाल मेरे लिए नहीं उनके लिए आपको क्या लगता है बहुत काम है और मेरी वजह से थोड़ा बहुत बात करने लगा होगा शायद क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ. आप सबको रमादान मुबारक और बहुत हम सब की तरफ से 9 जून को हम सब की या ये कैन यू प्लीज कम हियर प्लीज कम स्टैंड हियर मेरे कृति दिनेश विजन और ये राप्ता की टीम की तरफ से आप सबको रमादान की बहुत 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 शुभकामनाएं. हाँ अच्छा वापस बोले सुशांत बोलेगा स्माइल करते हुए. मैं स्माइल कर रहा हूँ. तीनों और राप्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत, बहुत, बहुत शुभकामनाएं. रमजान मुबारक. थैंक यू सामने चल राइट में दूसरा दूसरा वहाँ पे यहाँ पे दोनों सुशांत ऊपर कोई राइट साइड सुशांत सोलो कृति